केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र दो में रविवार को कावा वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा मनमोहन शेखावत के सान्निध्य में ग्रुप केंद्र टू के अधिकारी और जवानों की महिलाओं ने फायसागर रोड से चामुंडा चौराहे तक साफ सफाई कर दुकानदारों को जागरूकता का संदेश दिया। शेखावत ने बताया कि महिलाओं की कावा द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सफाई का बीड़ा उठाया है। ग्रुप केंद्र में तो पूरी साफ सफाई है, लेकिन सड़क पूरी तरह से कचरे से अटी पड़ी है, जहां से एटीसी की ट्रेनिंग में आई सैकड़ों महिला आरक्षियों के साथ जवानों और अधिकारियों के महिलाओं ने हाथों में झाड़ू फावड़े और कचरा पात्र लेकर सड़क के दोनों ओर जमा कचरे को सीआरपीएफ के वाहन में इकट्ठा किया और चयनित स्थान पर ले जाकर उसे जलाकर खत्म किया। हमारी जो कावा वेलफेयर एसोसिएशन है महिलाओं की, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि फाईसागर से लेकर चामुंडा चौराहे तक पूरे एरिया को हम लोग साफ करें। इसके अंदर खास तौर पे जितनी हमारे जवानों की और अफसरों की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो है ये काम किया गया है। इसके अलावा एटीसी में जो ट्रेनिंग में हमारे पास लड़कियां आई है, जो यहाँ पे 44 हफ्ते तक की ट्रेनिंग करेगी, उनके द्वारा ये सफाई अभियान किया गया। मेन हम लोगों का मकसद है कि इनको दुकान वालों को और इनकी जागरूकता पैदा करें कि सफाई रखें। आगे हम दुकान वालों से भी बोला हमने कि आप आगे सफाई रखें, आगे भी हम भी करते रहेंगे सफाई। और मकसद ये हम लोगों का सफाई अभियान है। हमारा कैंप तो ऑलरेडी साफ है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से फायसागर से लेकर चामुंडा चौराहे तक की हमने सफाई अभियान उठाया। आगे भी हम फायसागर रोड पूरा आगे भी करते रहेंगे स्वच्छता के लिए कि हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहे, हमारा देश स्वच्छ रहे। जब सरकार बना सकते हैं इस तरह से कि हम देश को साफ करें, तो हमारा मकसद है कि हम अपने माहौल को, अपने परिवार पड़ोसी को स्वच्छ रखें। हमारे कावा की तरफ से हमारी महिलाओं ने, डीएजी मैडम ने बोला था, हमारे कावा की तरफ से स्वच्छ साफ सफाई कर रहे और यहाँ से अपने कैंप से लेकर फाईसागर चामुंडा चौराहा सारा ही साफ सफाई करेंगे हम, और आज ही नहीं हमेशा ही करते रहेंगे हम ये साफ सफाई। वहीं श्री तेली साहू युवा विकास समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने समाज के युवाओं के साथ रविवार सुबह ऋषि घाट स्थित स्मशान स्थल पहुंचकर साफ सफाई का बीड़ा उठाया। युवाओं ने स्मशान में स्थित शेर ए अजमेर स्वर्गीय वीर कुमार की समाधि की धुलाई कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं पूरे स्मशान से कचरा और गंदगी हटाकर उसे साफ किया। समिति के अध्यक्ष किशन झालीवाल और उपाध्यक्ष सुशील साहू ने जानकारी देते हुए बताया, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि वही स्वस्थ भारत, उसके तत्वावधान में तेली समाज ने सफाई अभियान रखा है। श्री वीर कुमार जी की समाधि पर पुष्पांजलि की है और सफाई अभी की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था स्वच्छ भारत अभियान, उसी को एक कदम आगे ले जाते हुए तेली समाज ने आज एकत्रित हुआ और शमशान भूमि को सफाई किया। उसी के तहत स्वर्गीय वीर कुमार जी की समाधि स्थल को सफाई किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।